हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राजवीर राज पुरोहित और आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग गेम्स के बारे में। आज इस वीडियो में मैं आपको पांच गेम्स के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहली है फौजी, जिसका रिलीज डेट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे मैं बहुत लेट हूँ फौजी के रिलीज डेट के बारे में, लेकिन यार आपको सोचा कि ये अपकमिंग वीडियो बना ही रहा हूँ तो इसे भी इंक्लूड कर दूँ। उसके बाद बस सिमुलेटर बांग्लादेश के कई नए फीचर्स आए जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अल्टीमेट ट्रक सिमुलेटर, जो आप में से बहुत से लोग मुझे कमेंट करके कह रहे थे प्लीज़ अल्टीमेट ट्रक सिमुलेटर के बारे में बताइए, तो आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि कौन से फ़ोन में वो गेम चलेगी अल्टीमेट ट्रक सिमुलेटर। बस सो और इसके बाद हम ट्रक एंड लॉजिस्टिक सिमुलेटर के बारे में बात करने वाला है, ट्रक सिमुलेटर यूएसए के बारे में बात करने वाला है इसी वीडियो में। सो यार, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ऐसे लेटेस्ट वीडियो हर रोज़ देखने के लिए। So let's play the game। So कुछ ही दिन पहले जो है अक्षय कुमार जी ने फौजी का एंथम लॉन्च किया था और वो बहुत ही बढ़िया था, जहाँ पर हमारे सेना वाले जो है चाइना के सैनिकों को कूट रहे, बढ़िया से इतने कूट रहे कि बेचारों की क्या ही बोलूँ, मैं बोल नहीं सकता यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा विजुअल आपको देखने को मिल जाता है इनके एंथम में, और उसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि मुझे लगता है कि वैसे उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये अभी लेवल में होगा, कि अलग अलग आपको लेवल देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपको लेवल क्रॉस करना होगा। और इसका रिलीज डेट आई होप आप सबको पता होगा कि इसका प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, और एनकोर गेम्स जो है, जो इसके क्रिएटर है फौजी गेम के, उन्होंने ये भी बताया था कि ये जो गेम है विद इन 24 आवर 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने उसे प्री रजिस्टर किया है। तो यार, आप में से किसी ने अभी तक इस गेम को प्री रजिस्टर नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा जहां से आप इस गेम को प्री रजिस्टर कर सकते हैं। यहां पर जो है ओवरऑल बात की जाए गेम की तो बहुत फैंटास्टिक रहने वाला है। वैसे ये गेम आने वाला है 26 जनवरी को, 26 जनवरी। सो ये एक अच्छी चीज़ है और देशभक्ति की चीज़ है भाई लोग, क्योंकि उसी दिन हमारा जो है देश का दिन होता है, सो आज़ादी। सो यार, तो ये फौजी फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स बाय एनकोर गेम्स आने वाला है 26 जनवरी को। 1xBet एक ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म जहां पर ना सिर्फ आप स्पोर्ट, उसके अलावा टीवी गेम्स और ई स्पोर्ट पर भी पैसा लगा सकते हैं। यहां पर आपको 25 डिफरेंट प्रोवाइडर की तरफ से आने वाले स्लैब गेम्स भी खेल सकते हैं और अपना नसीब ट्राई कर सकते हैं। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए तो अब बात करते हैं अपने दूसरे गेम के बारे में, वन ऑफ माई फेवरेट गेम पल्स सिमुलेटर बांग्लादेश। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ माई फेवरेट गेम, बिकॉज अभी आया तो नहीं है यार, ये तो सोचने की बात है, लेकिन जो इन्होंने जो रिलीज़ किया है उनका फर्स्ट लुक गेम का, भाई साहब आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि यार ये तो कम्प्लीटली टक्कर देगा बस सिमुलेटर इंडोनेशिया को। मैं आपको पहले बता रहा था कि यार ये गेम जो है, अभी जब मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो है एक मैंने ट्रेलर जैसा कुछ था बस सिमुलेटर बांग्लादेश का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये पूरा गेम नहीं है, ये सिर्फ डेमो वर्जन है, और फाइनली उन्होंने फर्स्ट लुक जारी किया है और उसके नीचे भी यही लिखा है कि यार ये गेम 80% ज़्यादा बेटर होगा जो आप अभी देख रहे हैं। सो यार बहुत सही है, तो ये रहा आपके सामने फ़ोटो। सो यार, आपको क्या लगता है क्या कुछ आने वाला है बस सिमुलेटर बांग्लादेश में, आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। गेम के जो ऑफिशियल क्रिएटर है, जिन्होंने बताया है कि गेम में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड करनी बाकी है, शायद मैंने जब तक ये मैसेज पढ़ा था तो आई थिंक 200 से ज़्यादा आइटम्स है वो अभी बनानी है और ऐड करनी है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपको अभी भी बहुत ज़्यादा खाली खाली स्पेस आपको आसपास देखने को मिल जाएगा, तो मुझे लगता है ये फील हो जाएगा जब गेम आएगा। वैसे ये लुक देखकर आपको क्या लगता है यार, लिटरली ये गेम बहुत शानदार रहने वाला है, इसका जो स्टेरिंग व्हील वगैरह देखकर मुझे तो लग रहा है, और साथ ही साथ ये जो 3D मॉडल है हैनिफ का, हैनिफ बस का, मुझे लगता है ये वॉल्वो का है, तो यार बहुत सही 3D मॉडल है, उसका मतलब कि यार यहाँ पर गेम जो है बहुत ख़तरनाक और ढांसू होने वाला है, जो मतलब फुल टू टक्कर देगा बस सिमुलेटर इंडोनेशिया को। तो यार आई होप जल्दी से जल्दी हमें ये गेम खेलने को मिले बस सिमुलेटर बांग्लादेश। वैसे यहाँ पर अभी तक कोई भी
ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है रिलीज डेट के बारे में, तो अभी कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। वैसे मैं सोच रहा था 2 महीने में हो जाएगा, लेकिन जब डेवलपर ने बोला कि ये इतनी सारी चीज़ें अभी ऐड करनी बाकी है, तो मुझे लगता है कि अभी इंतज़ार करना पड़ेगा आपको इस गेम को खेलने के लिए। तो कुछ और स्क्रीनशॉट्स शेयर किए गए हैं बस सिमुलेटर बांग्लादेश की तरफ से, जो कुछ इस तरह है। ये सारे 3D मॉडल्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे बस सिमुलेटर बांग्लादेश में, जैसे कि हाउस है, एंट्रेंस है, जो हमारा रोड पर एंट्रेंस होगा वो सारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बांग्लादेश का ट्रैफिक में ट्रक भी देखने को मिलेगा, जो बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि ऑलमोस्ट बांग्लादेश और इंडिया सिमिलर ही है कहे तो दोनों का सिमिलरिटी। यहाँ पर ये ट्रक का सिमिलरिटी भी बहुत सिमिलर है इंडियन लुक से, सो इंडियन और बांग्लादेश लुक ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस नाम वगैरह चेंज होते हैं। सो आपको थोड़ा फील आएगा इंडियन वाला भी। सो आगे देखते हैं क्या कुछ है। तो बढ़ते हैं अपने अगले गेम की ओर, जो है अल्टीमेट ट्रक सिमुलेटर बाय ड्यूअल कार्बन। तो ये वही है जिन्होंने ड्राइवर सिमुलेटर 2020 बनाया। आई होप आप में से बहुतों ने ये गेम खेला होगा। सो ड्यूअल कार्बन की तरफ से आने वाला अल्टीमेट ट्रक सिमुलेटर सच में अल्टीमेट है, और आज हम पहली बार उस गेम के न्यूज़ को लेकर आए। वैसे हमारा ये सीरीज़ का 3rd or 4th वीडियो है, पर यार यहाँ पर हम बात कर लेते इस के बारे में। तो यहाँ पर जो अल्टीमेट ट्रक सिमुलेटर है ना, उसका ग्राफिक इतना हाई होगा कि भाई साहब पता नहीं कौन कौन से डिवाइस यहाँ पर जो है चल पाएंगे, कौन कौन से डिवाइस में ये गेम चल पाएगा, कुछ इस तरह का। तो सीन यहाँ पर ये था, तो यहाँ पर ऑफिशियल डेवलपर ने बताया है कि ये गेम जो है ओपन ग्लास 3 में चलेगा। अब ये ओपन ग्लास 3 क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि ओपन ग्लास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम है, ठीक है, जो एंड्रॉयड और iOS दोनों में देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये ओपन ग्लास 3, उससे पहले ओपन ग्लास 2 था। अब जो फ़ोन 2015 के बाद थे, बाद में आए 2015 के बाद में, उन सब फ़ोन में ओपन ग्लास 3 मौजूद है 2015 के बाद। तो अगर आपका डिवाइस 2015 के बाद लिया गया है, तो आपके डिवाइस में ओपन ग्लास 3 है। ओपन ग्लास 3 उसका मतलब कि आपका डिवाइस केपेबल होगा इस गेम को खेलने के लिए। अगर आपका डिवाइस 2015 के पहले का है, मोस्टली ये तो पॉसिबल बहुत कम है, पर अगर आपका 2015 के पहले का मॉडल है, तो आपके अंदर ओपन ग्लास 2 होगा जिसमें ये गेम रन नहीं करेगा। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि अल्टीमेट ट्रक सिमुलेटर कौन से फ़ोन में चलेगा। अब हम थोड़ा स्क्रीनशॉट वगैरह देख लेते हैं जो खुद डेवलपर ने रिलीज़ किए हैं। इन सारे स्क्रीनशॉट को देखकर आपको लगेगा कि भाई साहब ये गेम एंड्रॉयड का है या पीसी का है। सच में ग्राफिक बहुत आई है। वैसे यहाँ पर स्क्रीनशॉट में बता रहे हैं, पता नहीं यार दिखाने के दांत हाथी के कुछ अलग होते हैं और खाने के कुछ अलग होते हैं, तो ऐसा सिस्टम ना हो तो बेहतर है। यहाँ पर आपको एडिटिंग चीज़ें एडिटिंग करने के लिए बहुत सारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं अपने अगले गेम के बारे में, ट्रक एंड लॉजिस्टिक सिमुलेटर के बारे में। पूरे 5 महीने पहले मुझे लगता है कि मैंने इस पर वीडियो बनाया था शायद, और उसके रिलीज डेट के बारे में। और अब यार एक्सटेंड हुआ, पहले ये था कि वो लोग बोल रहे थे हम दिसंबर तक एंड्रॉयड में रिलीज़ कर देंगे, और उसके बाद हम जो है Q2 में हम रिलीज़ कर देंगे iOS के लिए, ठीक है। बट
उसके बाद यहाँ पर वो डिले होता गया होता गया होता गया। पहले कुछ नवंबर था, उसके बाद दिसंबर हुआ, और उसके बाद यार होता ही जा रहा है और डिले। तो यहाँ पर ट्रक एंड लॉजिस्टिक सिमुलेटर फॉर एंड्रॉयड एंड iOS के लिए ये गेम अभी बताया गया है कि फाइनल डेट है, प्लान डेट है, मतलब कोई फिक्स नहीं है इनका, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ये है मार्च, सो मार्च 2021 आपको ये गेम शायद देखने को मिले। मैं फिक्स नहीं कह रहा हूँ, मैं पहले से बता देता हूँ हर बार कि मैं भाई एक डेवलपर नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ जो यार आपको एक बंदा हूँ जो आपको मतलब ऐसे न्यूज़ लाता है जो डेवलपर लिखते हैं। अब मुझे उस पर कंफर्म डेट नहीं पता होती है, तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं भाई ये आया नहीं। भाई मैं भी क्या भगवान थोड़ी हूँ, मैंने सिर्फ यहाँ पर जो डेवलपर ने बोला है वही आपको बोला है, बताया है कि यार डेवलपर ने ये बोला है, ठीक है। तो ये सीन है। तो यहाँ पर ट्रक एंड लॉजिस्टिक सिमुलेटर की बात करें तो वो जो है मार्च में आएगा 2021 में। लेट्स सी आएगा या नहीं आएगा मार्च में, सो उसके बारे में आगे देखेंगे। अब बात करते हैं आखिरी गेम के बारे में, मेरा फेवरेट ट्रक सिमुलेटर USA। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, लेकिन आज फिर से मैं इस अपकमिंग गेम्स वीडियो में सोचा कि यार बता दूँ। ट्रक सिमुलेटर USA इवोल्यूशन, जैसे यूरो ट्रक सिमुलेटर इवोल्यूशन आया था, उसी तरह ट्रक सिमुलेटर USA का इवोल्यूशन यहाँ पर वर्जन आने वाला है जल्द ही। वैसे यहाँ पर डेवलपर ने बोला था ये जनवरी में आ जाएगा, और ये आज जो है 2021 बोला था मैंने, तो यार जनवरी 2021 में आने को बोला था, आज 22 तारीख हो गई है, लेकिन अभी तक इसका कोई सिर पैर नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन यार सोचा कि आपको बता दे कि ये गेम जनवरी में आने वाला है, OVLX की तरफ से आने वाला, ये OVLX या कहो OVPOP की तरफ से आने वाला ये गेम। और ये गेम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही फैंटास्टिक गेम रहने वाला है, क्योंकि इसका ग्राफिक जो है बहुत ही हाई है, और जो एग्जॉस्ट वगैरह जो देखने को मिलते हैं ट्रक वगैरह के वो भी बहुत बढ़िया है, फैंटास्टिक है। और OVLX वैसे भी बहुत बढ़िया गेम्स बनाता है, तो नो डाउट ये बहुत बेस्ट रहने वाला है। अब लेट्स सी कि उन्होंने जनवरी बोला था, अगर एंड के लास्ट वीक में आ जाए जनवरी के, तो पता नहीं आएगा तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे, और हम ही आपको बताएंगे गेम प्ले वगैरह करके। सो आई होप आपको ये अपकमिंग गेम वीडियो का ये पहला सीरीज़ हम रखते हैं आज से, और मैं ऐसे बताता रहूँगा गेम्स के बारे में, न्यूज़ के बारे में, तो ये पहला दूसरा तीसरा शायद है, पर जो भी है आप मैं हफ्ते में या दो तीन हफ्ते में आपको बताता रहूँगा इसे न्यूज़ के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक एम करते हैं करीब 1000 लाइक, तो आई होप आप 1000 लाइक करवा देंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड।